हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक्ट न्यूज ऑनलाइन। हाई बाय एज बाय 31 वही क्लास रोड कोलकाता 23 में कार्डिनल फिजियो रिलीफ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ, जिसके प्रोप्राइटर डायरेक्टर हैं डॉक्टर एहसान अवार्ड याफ्ता, जिन्होंने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की है। ये क्लिनिक फिजियोथेरेपिस्ट शेख हसनत हुसैन और उनकी टीम की जेरे निगरानी में चलाई जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ के इलाके में यहाँ क्लिनिक बहुत कामयाबी से चल रही है, लोग इसे सराह रहे हैं। यहाँ पर हर हफ्ता रमज़ान के मौके पे हफ्ते में एक दिन गरीबों का भी इलाज मुफ्त किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट और बात करते हैं इनसे। ये भी हम दिखा दे रहे ट्रैक्शन, किसी को लगा के गर्दन में वो नफ को स्टिमुलेट करता है। सेवेंथ ग्रेड में नफ को स्टिमुलेट कर देता है, 8 points होता है नफ। वो ट्रीटमेंट देंगे वो तो कल में, तो कहीं ऐसा है नहीं अभी तक। नहीं अभी तो यहाँ पर मतलब इस तरह का ऐसा मतलब आया नहीं अभी तक यहाँ, मतलब इस इलाके में फर्स्ट पहली बार ऐसा है जो मतलब ये चीज आया है। बहुत अच्छा चीज है, हम लोगों के लिए बहुत आराम हो गया जो घर के बगल में है, और बहुत ही आराम हर चीज से मतलब ये हो गया, कहीं दूर जाना नहीं। तो आपको कुछ फायदा इससे पता चला? फायदा बहुत। तो आप इसी इलाके की हैं, यही रहती है ना? नहीं, आप इन साहब के पास आए थे, एहसान साहब के यहाँ फ्री कैम्प था, और फ्री कैम्प का जो है फायदा हो गया बहुत। ठीक है, डॉक्टर हसमत हुसैन साहब से आपको मिलवाते हैं और बातें करते इस बारे में। हाँ सर, सर बताइए कि आप कर रहे हैं, शुक्रिया आप लोग। इससे पहले आप कहाँ रहे पहले? जी मैं कैसल कोना हेल्थ क्लिनिक में 28 ईयर्स प्रैक्टिस, चीफ एंड बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूँ यहाँ पे। और अभी रमजान के लिए सदे चलते फ्री कैंपिंग का ऑफर रहता है, फ्री सेशन सदे चलते सदे को रमजान। ठीक है, तो जो बहुत गरीब तबका है वो भी आगे ट्रीटमेंट करा के लेकर रमजान के लिए, ये रमजान के लिए उसको शायद आप लोग एक्सटेंड करेंगे बाद में देखेंगे, अगर नीडी को जो आएंगे अगर डिमांड होगा तो आगे करेंगे। ऐसे जो पेड में पब्लिक रिस्पॉन्स कैसे है? जी जी, वो तो काफी अच्छे हैं, रेगुलर आके जैसे हम बोल देते हैं वो रेगुलर आके अपना कर रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। शुक्रिया बात करने के लिए। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पर जो फिजियोथेरेपी सेंटर कायम हुआ है, करीबन 27 मार्च से हम लोग इस सेंटर को ओपनिंग किया है, और अलहमदिल्ला उसके बाद से काफ़ी अच्छी रिस्पांस रही है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आए वो सेटिस्फाइड हो गए हैं, और अभी भी हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हम लोग को यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से हमको शिफा मिल रहा है। और अलहमदिल्ला अभी यहाँ पे हम लोग का फर्दर प्रोसेस भी है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ बैठने वाले हैं, सबसे पहला बात हो चुकी है आफ्टर रमजान वो लोग यहाँ बैठना शुरू कर देंगे, तो ओवरऑल हम लोग सारे हेल्थ सेक्टर को लेकर यहाँ पे काम। दोस्तों मैं मिलाता हूँ आपको MD एहसान खान साहब से, जो कि कार्डियो फिजियो एंड हेल्थ क्लिनिक के प्रोप्राइटर हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है। तो आइए बात करते हैं इस फिजियोथेरेपी यूनिट के बारे में और इनके फिजियोथेरेपी कैंप के बारे में। बताइए एहसान साहब, आपने इसको कैसे चुना ये फिजियोथेरेपी? दूसरा और भी मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में भी मामला था, लेकिन आपने इसे चुना। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये आइडिया वहाँ से निकला कि हमने देखा कि जो आसपास के एरिया है यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे, एंड नंबर वन इनको बहुत काफ़ी डिस्टेंस से जाना पड़ रहा था, इक्विपमेंट्स जो है जो चार्जेस है इस रेंज वॉज वेरी वेरी हाई। तो फिर हमने हमारे जो पार्टनर्स हैं और भी हैं उनसे मिल करके डिस्कस की हम लोग कि हम लोग एरिया में कैसे चीज़ होना चाहिए जो हमारे कम्युनिटी को हेल्प हो और रिजनेबल में आदमी लोग अपना इलाज करवा सके और उन्हें राहत हो, इसी बेस पर हम लोगों ने इसको एस्टैब्लिश किया। इसमें आप लोग अभी तक कितने लोग इससे ले पाए आए? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 आदमी जो है ट्रीटमेंट करवा चुका है, एंड अलहमदिल्ला 99% इफेक्टिव रहा, वेरी मच अप्रिशिएट करे आपने। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसान है, हमने डॉक्टरेट इन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में किया और डेवलपमेंट एंड रिसर्च UK से, आज दिल्ली,
से हमने सर्टिफिकेट लिया है। तो ये हमारा मोटिव था कि भाई डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी के डेवलपमेंट हो नंबर वन। फिर हमने देखा यहाँ पे हम तो एक्सपर्ट बाहर रह गए, पूरे हमने आधी लाइफ हमने बाहर गुजार दिया, लेकिन जब यहाँ पर आए तो लगा कि यहाँ आदमी काफी परेशान है हेल्थ को लेकर, काफी परेशान है, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। हम उस वक्त डॉक्टर के पास जा रहे हैं कि हमें हार्ट अटैक हो जा रहा है, हम पैरालाइज हो जा रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम्स जो है लेके झेल रहे हैं, लेकिन क्विक रिकवरी नहीं मिल रहा। रीजन नहीं मिल, क्विक रिकवरी नहीं मिलने का रीजन है कि एक्सपेंस बहुत हाई है, नॉर्मल आदमी है वो अप्रोच से बाहर है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने दिमाग में डाला और इस चीज को अभी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जी एवरी रमजान में हम लोगों ने ताजे को जो फ्री कैंप रखा हुआ है, हमारे डॉक्टर साहब हैं, हसम साहब हैं, हमारे छोटे भाई हैं अखिल बाबू हैं, तो ये सब मिलकर के इन लोगों हम लोग के लिए या फिलहाल अभी तो हम रमजान के लिए रखे हुए हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक सीनियर सिटीजनशिप के लिए एक अपर देंगे इंशाल्लाह रमजान के बाद से। तो हम लोग का मेन मोटिवेशन यही रहेगा कि जो सीनियर सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप जो है जिनको स्पेशली रखेंगे जॉइंट पेन अक्सर बढ़ जाता है, तो उनको हम लोग विद मिनिमम कॉस्ट में उनको अच्छा से अच्छा इलाज करें और राहत इंशाल्लाह।